हाई स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू उज डाउन ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन बाय सिंगल एग्जाम्पल ओके सो लेट स्टार्ट तो जो हमारा एग्जाम्पल होने वाला है गाइज वो है वो है सिंपल एग्जाम्पल ए रेस टू दावर एंड बी रेस टू दी पावर एन यानी जो लैंग्वेज है वो हमारा ए रेस टू दी पावर एंड बी रेस टू दी पावर एंड वेर एन इज ग्रेटर टू वन अब हम ग्रेटर देन इक्वल टू वन इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट कि जो हमारा ट्यूरिंग मशीन है वो एप्लिसोन को एक्सेप्ट नहीं करता ठीक है अब ये क्यों नहीं करता उस पर हमारा डिस्कशन नहीं है हमारा डिस्कशन ये है कि भाई जो ट्यूरिंग मशीन है वो एप्सिलोन एक्सेप्ट नहीं करता अब एक, एप्सिल एक्सेप्ट करे या ना करे उससे किसी मशीन पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फाइनाइट ऑटोमेटा से अगर अभी तक आप लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना नहीं सीखा है या कोई कन्फ्यूजन है तो वो सभी दूर हो जाएगा आपका ठीक है ना सो लेट्स ए रेस टू पावर एंड बी रेस टू द पावर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस लैंग्वेज डेवलप करूँ इससे ठीक है तो क्या बनेगा ए बी बी ए बी 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 एंड समथिंग ऑन अब चलो मुझे नहीं पता कि भाई वैसे तो आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि भाई एन जो है वो इक्वल नंबर्स में जनरेट हो रहा है यहाँ पे लाइक like अगर एन की पावर एन uh, अगर हम वन रखें तो ए भी वन जनरेट होगा बी वी वन जनरेट होगा अगर हम एन की जगह टू रखें तो ए भी टू जनरेट होगा और बी भी टू वनरेट होगा बट अभी मुझे नहीं पता जब मैं फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहा हूँ तो मुझे नहीं पता मुझे ये पता है कि ए ए ए बी 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 कुछ ऐसा स्ट्रिंग जनरेट होगा तो मैं उसके हिसाब से एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने की कोशिश करता हूँ तो मैंने सबसे पहला एक स्टेट बताया क्यू नंबर क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है तो q नॉट जो है वो हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं होगा क्योंकि अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता तो हम ये कहते कि हाँ भाई इस लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन भी आएगा तो जो पहला स्टेट q नॉट है मुझे उसे भी फाइनल बनाना पड़ता क्यों क्योंकि वो 0 को भी एक्सेप्ट कर रहा है एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट कर रहा है अब देखो q नॉट के बाद अब मैं कहूंगा कि सबसे पहले मुझे a दिखा तो मैं Q1 पे जाकर जा करके अपना ट्रांजिशन कंप्लीट करूँगा और उस a के बाद मैनी नंबर ऑफ़ a's हो सकते हैं तो मैं एक लूप लगा दूंगा a का तो मैं कहूँगा कि a फिनिश हो गया देन मैं कहूँगा जब a खत्म हो जाएगा तो उसको पहला b दिखेगा एग्जैक्टली exactly. और b दिखने के बाद वो Q2 पर आ जाएगा और Q2 पर आने के बाद वो कहेगा कि मैनी नंबर ऑफ़ बीज होंगे तो मैंने बी का एक लूप लगा दिया अब ये पूरा नहीं हुआ गाइस अब ऐसा हो सकता है कि मैं या कोई भी यूजर जो मैं फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहा हूं उस ऑटोमेटा में कोई भी एक ऐसा स्ट्रिंग दे दे जो बी से स्टार्ट हो रहा है तो फाइनाइट ऑटोमेटा उसको रिजेक्ट करेगा उसके लिए मुझे क्या करना होगा उस फाइनाइट ऑटोमेटा में एक स्टेट बनाना होगा कुछ इस तरीके से जो क्यू पे से ही अगर बी दे, दे देगा तो वो डेड स्टेट में जाएगा और डेड स्टेट को हम डी बोल देंगे अब ये क्या कर रहे हैं अगर क्यू नॉट पे कोई भी यूजर उस फाइनाइट ऑटोमेटा को बी एज ए स्टार्टिंग इनपुट दे रहा है तो वो इस डेड स्टेट पे चला जाएगा और इस बी पे जाने के बाद चाहे ए आए या बी आए, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा अगर एंड में गाइस देखो ए ए ए इससे तो ये पता चल रहा है ए ए देन बी 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 बट बी के बाद ए नहीं आ सकता तो केस अगर एंड में वो ए दे देता है एंड में अगर वो ए दे देता है तो भी वो डेड स्टेट पे आ जाएगा तो ये कुछ हमने बनाया लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो लैंग्वेज है ठीक है ये कुछ इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है और मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग बनाया ए बनाया मैंने मैंने ये सोच के बनाया है कि भाई मैं देखना चाहता हूं कि ये जो लैंग्वेज स्ट्रिंग डेवलप कर रहे हैं क्या ये लैंग्वेज जो स्ट्रिंग डेवलप कर रहा है वो सारे स्ट्रिंग इसके अंदर एक्सेप्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो चलो ठीक है उसने कहा ठीक है ए ए से क्यू वन पे आया तो ए कंप्लीट हो गया बी गया बी पे दोबारा आया कंप्लीट हो गया देन बी आया कंप्लीट हो गया देन बी आया कंप्लीट हो गया ठीक है फिर इसमें गया ए आया कंप्लीट हो गया ए आया ये कंप्लीट हो गया दोबारा ए आया कंप्लीट हो गया बी आया कंप्लीट हो गया देन बी आया कंप्लीट हो गया देन बी आया कंप्लीट हो गया ठीक है कुछ इस तरीके से बना लेकिन एक बात खुद सोचिए ये जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा बना क्या ये वो सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है जो ये लैंग्वेज डेवलप कर रहा है देखिए कर तो रहा है लेकिन ये इसके अलावा वो स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर रहा है जो ये लैंग्वेज डेवलप नहीं कर रहा है इसका सिर्फ और सिर्फ एक सेंस निकलता है कि हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा किसी भी स्ट्रिंग को याद नहीं कर सकता है ना एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आ गया हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर याद नहीं कर सकता जैसे कि ये वाला जो हमारा लैंग्वेज है ये कुछ इस तरीके का स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ एज के बाद इक्वल नंबर ऑफ जनरेट होने चाहिए अगर अन जनरेट होंगे तो वो ये लैंग्वेज जनरेट नहीं कर रहा है और फाइनाइट ऑटोमेटा उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा डेवलप करूं जो सिर्फ यही लैंग्वेज के द्वारा जनरेट होने वाले स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा किसी भी स्ट्रिंग को याद नहीं कर सकता तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता है फाइनाइट ऑटोमेटा किसी भी सीक्वेंस को देखता है किसको देखता है सीक्वेंस को देखता है बट ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस जनरेट कर रहा है और किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होते हैं और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो जनरेट कर रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास कोई भी एक्सलरी मेमोरी नहीं होता सो दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि ये वाला जो लैंग्वेज है ये रेगुलर लैंग्वेज भी नहीं है और ये रेगुलर ग्रामर भी नहीं है ठीक है आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ से तो आपको समझ में आ गया कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है अब हम बात करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा पे और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा आप खुद से एक बार देखिएगा और ये चीज़ हम यही रहने देते हैं अब हम डाउन ऑटोमेटा पे काम करेंगे एन इज ग्रेटर ये पी डी ए क्या है एग्जैक्टली exactly में जो हमारा पुस्ट डाउन ऑटोमेटा है वो किससे मिलकर बना है वो फाइनाइट ऑटोमेटा से ही मिलकर बना है लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट क्या गया कि फाइनाइट ऑटोमेटा में उसने एक मेमोरी ब्लॉक डाल दिया और उस मेमोरी ब्लॉक का नाम है स्टैक ठीक है क्या है स्टैक अब इस स्टैक के कारण क्या हुआ कि भाई ये जो हमारा पी है ये एक स्ट्रिंग को काउंट कर सकता है आसानी से कैसे हमें पता है कि एक स्टैक के अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन होते हैं तो मान लो यहाँ पर ए है यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है पहले उसने क्या क्या यूज़र ने सारे ए डाल दिए है ना और उसके बाद जैसे ही वो क्या करेगा बी डालेगा तो पहला बी डालेगा तो इसको पॉप कर देगा दूसरा बी डालेगा तो इसको पॉप कर देगा तीसरा बी डालेगा तो इसको पॉप कर देगा ठीक है उसने पॉप कर दी लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि अब चीज खत्म हो गया तो उसके लिए क्या किया गया स्टैक के अंदर पहले से ही एक जेड नोट का मान लो या जेड नाम का एक पहले से इनपुट डाल दिया गया अब जैसे ही लास्ट में जेड नोट आएगा तो वो समझ जाएगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया क्या हो गया सब कुछ खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया हमारा स्टैक वहां पे खत्म हो गया तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई अब हमारा जो स्टैक है वो खाली हो गया है और कब पता चलेगा कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है तो पहला अगर इनपुट सिंबल ए देते हैं और उस इनपुट सिंबल ए को या कोई भी इनपुट सिंबल देते हैं तो जैसे ही उस इनपुट सिंबल को जेड नोट मिलता है तो इसका मतलब यह है कि भाई अभी हम स्टैक के स्टार्टिंग पे हैं ठीक है ना तो इस तरीके से हमें यह पता चल जाता है कि भाई स्टैक एम्प्टी है या स्टैक हमारा फुल है तो अब देखो पीडीए में हम कैसे डेवलप करेंगे और क्या तरीका होगा इसको बनाने का तो सिंपल है कुछ अलग नहीं है मान लो ये हमारा एक क्यू नॉट स्टेट हो गया अब देखो अगर हम क्या करेंगे पहला एक स्टैक बनाया इसके अंदर हमने एक जेड नाम का एक इनपुट सिंबल डाल रखा है अब इस जेड को हम बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से मान के चलो कि हमने बाहर निकाल रखा है अब जैसे हमने इसको इनपुट सिंबल ए दिया अब ए ने देखा भाई जेड है तो ए ऑन जेड हमने क्या लिखा ए ऑन जेड ये क्या करेगा दोनों ही अंदर चले जाएंगे तो अब ऊपर ए आ चुका है यानी टॉप ऑफ स्टैक पे क्या आ गया ए आ गया ठीक है अब मान लो दोबारा से हम ए देंगे तो अगर हमने ए दिया हमने क्या दिया ए दिया तो अब ए और टॉप में भी क्या है ए तो एंड स्टैक के टॉप पे क्या है ए तो दोनों ही क्या चले गए स्टैक के अंदर और अब हमारा सबसे ऊपर दोबारा से क्या आ गया ए तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एज को स्टैक के अंदर फिलअप करते जाएंगे देन जब हमारा बी आएगा एज अ इनपुट सिंबल तो बी क्या करेगा जैसे ही ए को देखेगा उसको पॉप कर देगा उसको खाली कर देगा खाली करने का मतलब है हमने एक एप्सिलॉन जनरेट कर दिया अब उसके बाद एनी नंबर ऑफ बीज वाइल सिंग एंड जनरेट एप्सिलॉन यानी अब हम कितने भी बीस को दें इनपुट सिंबल में वो जितने नंबर ऑफ़ एस को देखते जाएगा वो क्या जनरेट करते जाएगा उसे खाली करके एप्सिलोन बनाते जाएगा बाद में एक ऐसा टाइम आएगा कि वो सभी ए को पॉप कर देगा और एप्सिलोन बचेगा और जैसे ही एप्सिलोन जो है वो जेड को देखेगा वो उसको एज इट इज छोड़ देगा और वो हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट यानी फाइनल स्टेट हो जाएगा तो इस तरीके से हम क्या करते हैं एक पी डेवलप करते हैं मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं ए जब जेड को देखेगा जेड क्या बता रहा है कि भाई ये हमारा स्टैक का स्टार्टिंग सिंबल है यानी अभी हमारा स्टैक पूरी तरीके से खाली है उसके अंदर जेड है और खाली करने का मतलब हमने उससे जेड भी अभी निकाल लिया ए जैसे ही जेड को देखेगा ए और जेड नोट स्टैक में चले जाएंगे ए टॉप पे चला जाएगा और जेड हमारा बॉटम पे रहेगा ठीक है अब ए हमारा सबसे टॉप पे है जेड हमारा बॉटम पे है दोबारा से हमने ए दिया ए बॉटम वाले ए को देखेगा और दोनों जो है स्टैक के अंदर चले जाएंगे उसके बाद ऐसे ही प्रोसेस चलता चल... चलता रहेगा आप जितने नंबर ऑफ एज देना चाहते हैं ठीक है उसके बाद बी क्या करेगा अब हमने ए डाल दिया है। अब बी उसको पॉप करके काउंट कर लेगा जितने बी उसको पॉप करेगा उस हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा कि भाई इतने नंबर ऑफ एज थे इतने नंबर ऑफ बीज थे तो इस तरीके से हम काउंटिंग कर सकते हैं तो b जैसे ही टॉप वाले a को देखेगा उसको एम्प्टी करेगा एप्सिलॉन जनरेट होगा ऐसे ही b अब जितने नंबर ऑफ bज हम देना चाहे देते जाएंगे वो a को देखते जाएगा उसको पॉप करते जाएगा एप्सिलॉन जनरेट करते जाएगा इस प्रोसेस में b जब सभी a को पॉप कर देगा तो एप्सिलॉन बचेगा एप्सिलॉन जब जैसे ही z को देखेगा वो समझ जाएगा कि भाई हमारा पॉप ऑपरेशन खत्म हो गया तो z को एज इट इज छोड़ दो और हमारा ये हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा एक्सेप्टिंग स्टेट हो जाएगा और यहां पे हमारा हॉल्ट हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा फाइनल स्टेट हॉल्टिंग स्टेट हो गया तो इस तरीके से हम क्या करते हैं एक पी बनाते हैं ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि ए रेस टू दी पावर एन बी रेस टू दी पावर एन हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है क्या है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और ये डेवलप होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से ठीक है ये चीज तो आपको समझ में आ चुका है यहां से अब हम बात करते हैं ट्यूरिंग मशीन पे, ठीक है? क्या हम इस लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन डेवलप कर सकते हैं जी हाँ हम इस लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन डेवलप कर सकते हैं क्योंकि तो है. तो अब हम देखते हैं ए रेस टू दी पावर एन बी रेस टू दी पावर एन के लिए हम कैसे ट्यूरिंग मशीन डेवलप करते हैं ठीक है तो देखिए ट्यूरिंग मशीन के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूं ट्यूरिंग मशीन कैसे बना यह भी एक फाइनाइट ऑटोमेटा से ही बना लेकिन जहां पर हमारा पी जो था वो एक स्टैक ले रहा था हम ये कह सकते हैं ये दो दो स्टैक ले रहा, दो हमारा जो है स्टैक ले है। और ये क्या करेगा ठीक है ये क्या करेगा अगर हमने खुद सोचो हमारा जो स्टैक है अगर हमने इसको दो दे दिया तो वो इस तरीके से क्यू बना देगा ठीक है क्या बना देगा क्यू बना देगा अब इसके अंदर हम लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं और राइट right भी मूव कर सकते हैं स्टैक के अंदर एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते थे लेकिन यहां पर क्यू के अंदर हम दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं लेफ्ट भी राइट right भी तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जनरेट हो जाता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा उसमें हम एक ही डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं लेकिन ट्यूरिंग मशीन में हम लेफ्ट और राइट right दोनों तरफ मूव कर सकते हैं जिसके वजह से ट्यूरिंग मशीन एक ऐसा पावरफुल मशीन हो गया जिसके अंदर हम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं बहुत सारे मोस्टली हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन ट्यूरिंग मशीन के अंदर कर सकते हैं ठीक तो देखिए ट्यूरिंग मशीन को हम कैसे बनाएंगे क्या तरीका होगा जो ट्यूरिंग मशीन है मान लीजिए एक तरह का ये टेप है जिसके अंदर हमारा कुछ सिंबल है कुछ इस तरीके से ठीक है हम क्या करेंगे भाई हमारा ये हमारा स्टार्टिंग है एरो ये क्या बता रहा है स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरीके से ये ब्लैंक बने हुए हैं ये ब्लैंक ब्लॉक है ठीक है इधर भी ब्लैंक ब्लॉक बने हुए हैं ब्लैंक ब्लॉक बने हुए और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये अब शो कर रहा है ठीक है अब देखो जैसे ही हम ए को देखेंगे उसको एक्स बना देंगे और फिर हम राइट right की तरफ मूव करते जाएंगे और जैसे ही हमें पहला बी दिखेगा हम उसको वाई बना देंगे और वाई बनाने के बाद हम दोबारा लेफ्ट मुड़ जाएंगे लेफ्ट मुड़ने के बाद जब हमारा एक्स दिखेगा जैसे ही एक्स दिखेगा हम दोबारा से राइट मुड़ेंगे और दूसरे वाले ए को एक्स बना देंगे फिर हम राइट right मुड़ते जाएंगे देन हम देखेंगे नेक्स्ट बी को आई एम श्योरी इसको हमने वाई बना दिया जैसे हम देखेंगे नेक्स्ट बी को वाई वाई के बाद जैसे हमारा नेक्स्ट बी आएगा हम उसको वाई बना देंगे एंड देन लेफ्ट मूव कर जाएंगे फिर चेक करेंगे ए बचा फिर उसको एक्स बनाएंगे फिर लेफ्ट मूव करेंगे और इस तरीके से हम मूव करते जाएंगे तो कैसे कब खत्म होगा मैं आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं बाय मेकिंग जस्ट सिंपल एग्जांपल कि हमारा ये एक Q not state हो गया। अब देखो, ये क्या करेगा और कैसे काम करेगा ए जैसे ही हमारा ए है हम उसको क्या बना देंगे एक्स बना देंगे ठीक है क्या बनाएगा एक्स बना देगा और किधर मूव करेगा राइट मूव करेगा ठीक है और उसके बाद हम क्यू वन पे आ जाएंगे क्यू वन पे आने के बाद गाइस क्या होगा ध्यान से देखो क्यू वन पे आने के बाद हमारा जो कुछ ऐसे मान लो ये ए ए ए बी 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 और ये ब्लैंक 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 बने हुए ये ब्लैंक 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 बने हुए अब ए देखा इसने पहले वाले ए को एक्स बना दिया और उसके बाद एनी नंबर ऑफ एज है तो हमें क्या करना है एक लूप लगाना है ए लीव इट एज ए एंड मूव टू वर्ड राइट ए है बाकी ए को ए जैसा ही छोड़ दो राइट right की तरफ मूव करो जैसे ही राइट की तरफ मूव करते रहोगे ए सारे खत्म हो जाएंगे जैसे ही पहला बी दिखे उसको वाई बना दो क्या बना दो वाई बना दो और अब लेफ्ट मुड़ जाओ किधर मुड़ जाओ लेफ्ट तो तुम यहां बी पे गए इसको वाई बनाया और अब तुम लेफ्ट मुड़ गए लेफ्ट मुड़ने के बाद क्यू टू पे जाओगे है ना ये तो क्यू स्ट्रेट हो गया अब यहां से तुम लेफ्ट मुड़े जब तुम लेफ्ट मुड़ोगे तो बहुत सारे ए दिखेंगे तो ए को एज इट इज छोड़ दो ए को एज इट इज छोड़ दिया और लेफ्ट की तरफ मूव करते जाओ जब तुम लेफ्ट की तरफ मूव करोगे क्या करोगे लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा ध्यान से देखो तुम्हें दिखेगा एक्स क्योंकि एक्स पे आके खत्म करो तो जैसे तुम्हें एक्स दिखा एक्स को एज इट इज छोड़ दो राइट की तरफ मूव कर जाओ अब क्या करोगे राइट की तरफ मूव करोगे ठीक है लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो और जैसे ही मूव किया क्यू नॉट पर आ गए तुम तो, ठीक है लेफ्ट की तरफ ही मूव कर रहे है अभी हैं अभी हम और उसके बाद हम कहां पर आ गए क्यू नॉट पर आ गए जैसे हम क्यू नॉट पर आए भाई ए दिखा दूसरा एक्स बनाया अब एक्स बनाने के बाद अब देखो अभी खत्म नहीं हुआ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोई टीचर डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देगा ये चीज़ बट मैं दोबारा से लूप घुमा रहा हूँ आपको ए पे गए उसको एक्स बना दिया राइट की तरफ चलते गए फिर क्यू वन पर आए क्यू वन पे नहीं आए उसके बाद हमारे ये ए आया ये ए आया तो ए को छोड़ा एज इट इज छोड़ा राइट मूव करे फिर ए को देखा राइट मूव कर रहे होंगे तो बा, अब स्टार्टिंग में तो हमें वाई नहीं दिखेगा लेकिन जब हम दोबारा आएंगे तो उसके बाद हमें वाई देखने को मिलेगा तो हम क्या करेंगे वाई का लूप बनाएंगे वाई एज इट इज छोड़ दो और राइट की तरफ मूव करते जाओ समझ में आया उसके बाद जैसे ही वो वाई को देखेगा राइट की तरफ मूव करेगा पहला वाई दिखा राइट की तरफ मूव किया फिर देन जैसे ही वो बी देखेगा खाली उसको वाई बनाएगा लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा अब जब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा इसको वाई बना दिया और लेफ्ट की तरफ मुड़ गया तो वो ए देखेगा ए देखेगा और लेफ्ट की तरफ चलता रहेगा लेकिन चलते चलते क्या चलते चलते अब गाइस गैस करो ये बी चला अब उसको रास्ते में वाई भी तो दिखेगा अब ये इस बी पे वाई बनाया अब इस वाई के बाद उसको दोबारा वाई दिखेगा फिर दोबारा वाई दिख रहा होगा अब जरूरी है ये, ये बी ये बी ये बी ये बी है ये वाई बन चुका है ये वाई बन चुका है ये वाई बन चुका है अब इस बी से वो इधर की तरफ मूव कर रहा है तो उसको इधर भी वाई दिखा ये भी वाई दिखा ये भी वाई दिखा तो अगर कोई भी वाई दिख रहा है तो उसको एज इट इज छोड़ो और लेफ्ट की तरफ मूव करते जाओ एंड देन जैसे ही तुम्हें क्या दिखे एक्स दिखे तो एक्स का बना दिया एज इट इज छोड़ो लेफ्ट मुड़ जाओ क्यू नोट पे जाओ और क्यू नोट पे जाने के बाद जैसे तुम्हें ए दिखे दोबारा उसको एक्स बनाओ क्या बनाओ एक्स बनाओ और राइट right मूव करते जाओ तो ये तो हमारा ये हो गया लेकिन हम खत्म कब करेंगे तो सिंपल सा है फाइनल स्टेट क्या कैसे बनेगा तो एक टाइम आएगा जब सारे ए हमारे क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे जैसे सारे ए खत्म हो जाएंगे तो डायरेक्टली क्या बचेगा वाई बचेगा लेकिन क्यू नोट से वाई का तो कोई ट्रांसिशन है ही नहीं तो हम एक अलग स्टेट बनाते हैं जिसे हम क्यू थ्री कहेंगे और वाई आएगा एज इट इज छोड़ देंगे क्या आएगा वाई आएगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे और हम किधर मूव करते रहेंगे राइट right की तरफ मूव करेंगे ठीक है ये तो हो गया मूव करते रहेंगे मूव करते 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 हमारा ब्लैंक दिख जाएगा क्या दिख जाएगा ब्लैंक जैसे ही हमें ब्लैंक दिखेगा ब्लैंक दिखने के बाद ब्लैंक को खाली छोड़ दो अब चाहे तुम लेफ्ट मोड़ो या राइट मोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं लेफ्ट ही रहने देता हूं और ये हमारा Q4 हो जाएगा जो एक एक्सेप्टिंग स्टेट हो जाएगा और यहां पर हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट एट ऑटोमेटा यहां पर हमारा ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट कर जाएगा ये तो हो गया लेकिन अब आप क्या कहोगे आप ये कहोगे कि ठीक है अगर मुझे ए ए बी मिल गया बी मिल गया तो भैया क्या होगा तो इसमें क्या होगा क्या ये इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं ये इसको रिजेक्ट करेगा लेकिन आपने तो कोई इसके अंदर डेड स्टेट बनाया ही नहीं तो देखो जो हमारा ट्यूरिंग मशीन होता है उसमें क्या होता है ना फाइनल स्टेट पे कोई भी स्ट्रिंग अगर हॉल्ट होता है जैसे Q4 हमारा फाइनल स्टेट है तो कोई भी स्ट्रिंग अगर क्यू फोर पे हॉल्ट होगा तो हम बोलेंगे कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है अगर बीच में किसी स्टेट पे हॉल्ट कर जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है अब सारे ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट भी नहीं करते हैं ठीक है अब हमें उस पर डिस्कशन नहीं करना है कि वो हॉल्ट क्यों नहीं करते उससे क्या नुकसान है हम ये कह रहे हैं कि भाई मोस्टली हॉल्ट करते हैं और कुछ हॉल्ट नहीं करते ठीक है अगर आपको वो भी समझना है तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ उसके लिए भी आप वीडियो बनाए तो मैं देखूंगा तो बनाऊंगा ठीक है तो देखिए मान लो ये वाला है अब ये पहली बार गया मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कहां पे हॉल्ट होगा ए गया एक्स बनाया चलता गया बी को देखा वाई बना दिया y बनाने के बाद दोबारा लेफ्ट मुड़ा a को देखा x बना दिया फिर दोबारा राइट मुड़ा राइट मुड़ने के बाद वो दू, दूसरे b को देखा इसको y बना देगा फिर ये आया और इसने देखा ये इसने x बना दिया लेकिन x बना दिया यहीं पे हैं हम अभी हम q1 पे हैं, क्योंकि यही x बना रहा है q1 पे है एक्स बनाने के बाद वो देखेगा कि भाई हमारा y है y है y है लेकिन y के बाद कोई b खाली बचाई नहीं है क्योंकि q2 पे पहुंचने के लिए b की जरूरत है वो तो यहीं पे लूप चलाए जा रहा है तो Q1 पे ही ये वाला स्ट्रिंग क्या कर गया वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर यहीं पर मिल जाता ए बी 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 तो क्या होता पहला ये क्या बनता? X बनता फिर आगे राइट की तरफ जाता पहले वाले b को देखता और इसको y बना देता वाई बनाने के बाद दोबारा लेफ्ट आता पहले वाले ए को एक्स बनाता देन ये जाता दूसरे वाले बी को वाई बनाता फिर बी को वाई बनाने के बाद ये आता और देखो यहां पर बी को वाई बनाने के बाद यहां पे आ गए हम ठीक है बी को वाई बनाने के बाद ये वापस आता वापस आने के बाद कोई एक्स तो बचा ही नहीं है कोई एक्स बचा ही नहीं है ठीक है कोई सॉरी कोई एक्स कह रहा हूँ कोई ए तो बचा ही नहीं है अगर कोई ए बचा ही नहीं है तो क्यू नोट से क्यू वन पर गया ही नहीं वो क्यू वन पे नहीं गया तो क्यू थ्री पे ही रह गया अगर वो क्यू थ्री पर ही रह गया दोबारा करता हूं देखो पहले वाले एक को देखा, एक्स बना दिया ठीक है फिर दूसरे वाले बी पे गया वाई बना दिया क्यू टू से क्यू वन पे आया दोबारा ए को देखा एक्स बना दिया फिर क्यू टू पे गया बी को वाई बना दिया अब जब वो वापस आ रहा है वापस आ रहा है तो वापस आने के बाद वो क्या देख रहा है भाई सारे x बन गए ये तो कोई बना ही नहीं है तो हम q1 पे गए नहीं हम यहीं पे आ गए q3 पे आ गए लेकिन q3 पे आने के बाद जब हम वापस जा रहे जाने के बाद हमारा b तो खाली पड़ा हुआ है b क्या है खाली पड़ा हुआ है काउंट तो हुआ ही नहीं तो इसका मतलब यहां पर ये यह क्या कर जाएगा हॉल्ट कर जाएगा और अगर q3 पे हॉल्ट कर गया तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये था हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा ट्यूरिंग मशीन और फाइनाइट ऑटोमेटा ठीक है और जो हमारा ट्यूरिंग मशीन है तो इस तरह के लैंग्वेज को जो एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं कॉन्टेक्स सेंसिटिव ग्रामर कॉन्टेक्स सेंसिटिव ग्रामर और कॉन्टेक्सट सेंसिटिव लैंग्वेज तो ये एक कॉन्से ठीक है तो हमारा कॉन्टेक्सट सेंसिटिव ग्रामर हाँ ठीक है और लैंग्वेज भी है तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो ठीक है कि भाई कैसे बनाना है क्या चीज़ें आई थिंक मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कॉमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा